हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं विवेक, स्टडी इंडिया अड्डा, डिजिटल वे ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर रेगुलर आरआरबी जेई सीवीटी का क्लास चल रहा है दोस्तों, जिसमें हम लोग नॉन्टे का पूरा सिलेबस कर चुके हैं। आपको अगर किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद इस चैनल पर रेगुलर प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों, जिसमें हम लोग आठवां सेट देख रहे हैं। और ये सेट का टाइमिंग है दोस्तों, डेली चलता है, इवनिंग में 9 PM और मॉर्निंग में 9 AM, यानी दोनों टाइम आपको सेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, ये सेट में 50 MCQ देखते हैं, जिसमें आपको 50 में 35 प्लस एनी हाउ सही करना है। और इस चैनल से जो स्टडी किए हैं उनको 40 प्लस स्कोर करना है दोस्तों। इस टेस्ट में हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जिसमें बेसिक ऑफ एनवायरमेंट एंड पॉल्यूशन, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिजिक्स केमिस्ट्री और जीके जीए करंट अफेयर्स से क्वेश्चन होता है, जो एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित होता है। सो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जो भी प्रैक्टिस सेट चले इस चैनल पे आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। और साथ में वीडियो को एक दिल से लाइक कर दे दोस्तों, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। आप हमें फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, हमारे टीम द्वारा, स्टडी इंडिया अड्डा टीम द्वारा, एक आपके लिए एक न्यू चैनल लॉन्च हुआ है दोस्तों, स्टडी इंडिया अड्डा व्लॉग्स। आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ था दोस्तों। जो भी प्रैक्टिस सेट आपका छूट गया है, आप स्टडी इंडिया अड्डा व्लॉग से जाकर देख सकते हैं, वहां पे भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन लगाने का आपको पता ही है कैसे लगाया जाता है, 3 सेकेंड का टाइम आपको दिया जाता है, उसके बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक बताना होता है आपको वीडियो के कमेंट में कि 50 में से आपका कितना स्कोर हो रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बीच ऑफ द फ्लोविंग पेयर्स अनाउंस्ड एज ज्वाइंट नोबेल पीस प्राइज विनर, निम्नलिखित में से किस जोड़े को एक साथ नोबेल शांति पुरस्कार भी जेता घोषित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन बी डॉक्टर डेनिस मुकबेगे और नादिया मुराद को ज्वाइंट पेयर्स अनाउंस किया गया है दोस्तों, नोबेल पीस प्राइज विनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, हरियाणा के प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर कौन है। सभी लोग इसका जवाब दें। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए मनोहर लाल खट्टर इज द प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ आसाम इन मार्च 2018, मार्च 2018 में किसे आसाम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन सी जगदीश मुखी, जगदीश मुखी को हैज बीन अपॉइंटेड एज अ गवर्नर ऑफ आसाम मार्च 2018 में असम की गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वुमेन्स MPs आर इलेक्टेड इन रिसेंटली जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन 2019 हुआ है दोस्तों, जिसमें MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वुमेन्स कैंडिडेट पूछा जा रहा है, हाउ मेनी वुमेन्स कैंडिडेट। सभी लोग से आंसर आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट, 78 MP जो है 2019 का इलेक्शन हुआ है, जिसमें वुमेन्स है, औरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ऑफ इंडिया इन 2019, बस 2019 के भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है दोस्तों। सभी लोग इसका करेक्ट अपना आंसर दें। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, राजीव महर्षि इज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन 2019। आपको पता होना चाहिए CAG का मतलब क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज February 2018, आपसे पूछा जा रहा है UIDAI का CEO कौन है, जो February 2018 से वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन डी अजय भूषण पांडे इज द CEO ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज द February 2018। आपको UIDAI का फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाता है तो याद होना चाहिए, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं,
few of the delicious edible fishes are not becoming endangered because of, कुछ कुछ delicious edible fishes है दोस्तों वो endangered नहीं हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है आपसे पूछा जा रहा है, नॉट बिकमिंग इंडेंजर्ड बिकॉज ऑफ, इंडेंजर्ड यानी लुप्त, ठीक है। इससे करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन डी, राइजिंग ऑफ ओशन लेवल के कारण कुछ कुछ डिलीशियस एडिबल फिशेज हैं जो नॉट बिकमिंग इंडेंजर्ड हो रहे हैं, ठीक है, इंडेंजर्ड नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बायो ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट फॉर, बीओडी बायो ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट फॉर, इसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोलिए, इज अ स्टैंडर्ड मेजरमेंट फॉर, ये क्या चीज को मापता है दोस्तों, बीओडी से हम लोग क्या मापते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनवायरमेंट का ये बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, एनवायरमेंट सेक्शन का ये बीबीआई क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा सभी लोग से आंसर आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन, मेजरिंग ऑफ पॉल्यूशन इन द एक्वस एनवायरमेंट सिस्टम, जलीय परिस्थितिक तंत्रों में प्रदूषण के मापन के लिए बीओडी का हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, मेजरिंग ऑफ पॉल्यूशन इन एक्वस एनवायरमेंट बीओडी में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेंट रिड्यूसेस पावर फॉर कैरेजिंग कंबाइंड ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच कॉजेज कंजेशन इन रिस्पायरेशन है दोस्तों, ये यहाँ पे आई है रिस्पायरेशन, फाइनली कैन बी डेथ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की इसकी क्षमता को कम करता है जिससे श्वास विरोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे एयर पॉल्यूटेंट की बात किया जा रहा है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरह का ऐसा एयर पॉल्यूटेंट है जो रिड्यूस कर देता है पावर ऑफ कैरेजिंग कंबाइंड ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन, यानी हेमोग्लोबिन से जो ऑक्सीजन कंबाइन करने की कैपेसिटी होता है उसे कम कर देता है, बीच कॉजेज कंजेशन, ऐसा होने के बाद रिस्पायरेशन में प्रॉब्लम होने लगता है दोस्तों, फाइनली डेथ भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो मिनिमाइजेशन, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, जैव निम्नीकरण पूछा जा रहा है, इसमें से कौन है बायो मिनिमाइजेशन, इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी रबर, रबर इज अ बायो मिनिमाइजेशन, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया इन इंडिया, भारत का किस राज्य में सबसे बड़ा वन क्षेत्र है दोस्तों, सभी लोग से आंसर आना चाहिए, यह सब क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश इज अ स्टेट हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज मीन फॉर, ग्रीन हाउस से क्या समझते हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन सी टू प्रिवेंट सोलर एनर्जी ड्यू टू एरोस्फेयर, ठीक है, वायुमंडलीय गैस के कारण सौर ऊर्जा को रोकना, ठीक है, एरोस्फेयर या एटमोस्फेयर इसे बोल सकते हैं, ठीक है ना, टू प्रिवेंट सोलर एनर्जी ड्यू टू एरोस्फेयर, इसे एटमोस्फेयर बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मेन फैक्टर फॉर एटमोस्फेरिक पोलूटेंट एसिड रेन की बात कर रहे हैं दोस्तों, कौन सा मेन फैक्टर है एटमोस्फेरिक पोलूटेंट एसिड रेन की, सभी लोग इसका जवाब दें, इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन ए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड मेन पॉल्यूटेंट है एटमोस्फेरिक एसिड रेन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन हु हैज डिस्ट्रॉयड सोमनाथ टेम्पल इन 1025 ईरा में सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने वाला व्यक्ति का नाम आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग इसका आंसर आना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन ए महमूद गजनी 1025 ईरा में सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किए थे यानी नष्ट कर दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, नापने या मापने बोल सकते हैं, ओजोन लेयर का थिकनेस कौन से यूनिट में मापा जाता है, सभी लोग से आंसर आना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों डॉप्शन इकाई में मापा जाता है ओजोन लेयर, ओजोन का फॉर्मूला O3 सभी को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग मूव ऑन करते हैं, एनहिलेशन ऑफ ओजोन लेयर कॉजेज, ओजोन परत के
क्षरण के कारण क्या होता है दोस्तों? एनिलेशन ऑफ ओजोन लेयर क्या कॉजेज करता है? इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन बी स्किन कैंसर। एनिलेशन यानी ओजोन लेयर में छेद हो गया, ओजोन लेयर टूट गया, तो अल्ट्रावायलेट रे जो है सन से वो डायरेक्ट ह्यूमन के बॉडी पे पड़ेगा, इससे स्किन कैंसर हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जितने लोग देख रहे हैं लाइव सेशन, वीडियो को फटाफट अभी लाइक कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखें। प्रोसेसिंग टाइम इज लीस्ट इन अ कंप्यूटर, कितने बीट का कंप्यूटर में प्रोसेसिंग टाइम लीस्ट होता है दोस्तों? ये तो जो कंप्यूटर यूज करते हैं उन्हें पता होगा। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसिंग टाइम लीस्ट होता है, यानी 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम का आपके पास अगर पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है या लैपटॉप है, तो आपका कंप्यूटर हैंग बहुत कम करेगा, यानी उसमें आप हायर लेवल का प्रोग्रामिंग बहुत आसानी तरीका से चला सकते हैं, जैसे हायर लेवल का गेमिंग खेल सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टचपैड इज अ गुड अल्टरनेटिव टू द माउस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये सब कंप्यूटर सेक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों। टचपैड इज अ गुड अल्टरनेटिव टू द माउस, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपसे पूछा जा रहा है। माउस का एक अच्छा विकल्प टचपैड किसका उदाहरण है? टचपैड किसका उदाहरण आपसे पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन सी पॉइंटिंग डिवाइस। ध्यान रखिएगा, टचपैड किसका उदाहरण दोस्तों? पॉइंटिंग डिवाइस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द इंस्टॉल मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से कौन सा संग्रहण साधन दृढ़ स्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग डाटा या सूचना संग्रहण हेतु करता है? इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए फ्लॉपी डिस्क, क्या है एक तरह का इंस्टॉल मैग्नेटिक डिस्क है टू स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग मूव ऑन करते हैं। इन एन ऑप्टिकल फाइबर द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड, ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल कैसे ट्रांसमिट करता है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी ड्यू टू इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर में जो डाटा ट्रांसमीटर होता है, सिग्नल ट्रांसमीटर होता है, वो इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के कारण होता है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए जो हम लोग डब्ल्यू एन वाईफाई वगैरह देखते हैं, उसमें ऑप्टिकल फाइबर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आया हुआ है दोस्तों, जो ऑप्टिकल फाइबर से स्पीड हाई मिलता है। जो वाईफाई आप लोग यूज करते हैं, अगर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन आप ले रखे हैं, तो वहां पे आपका जो डाटा स्पीड होगा वो स्पीड आपको मिलेगा, हायर स्पीड मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ओन्स द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन सा? ऑनर पूछा जा रहा है दोस्तों, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का माइन ऑनर कौन है? जो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का विंडो जैसे 7 हो गया, विंडो एक्सपी वगैरह यूज करते हैं, उनका ऑनर पूछा जा रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑनर जो है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एप्पल की बात करें, और एप्पल द्वारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जाता है दोस्तों, वो कौन है? मैकिन टॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आईबीएम वगैरह जो है वो हार्डवेयर बनाता है दोस्तों, जैसे कंप्यूटर हो गया, स्पीकर वगैरह, ये सब बनाता है, ठीक है। और इंटेल तो जानते हैं, इंटेल एक तरह का प्रोसेसर है, जैसे i5 हो गया, i7 हो गया। आप लोग लैपटॉप जब खरीदिएगा तो उस टाइम पता करना होता है कि मेरा कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा प्रोसेसर मिल रहा है, i7 i5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डॉट bas डॉट doc डॉट html एग्जाम्पल ऑफ, ये सब दोस्तों एक्सटेंशन किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है। ये सब किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, डॉट बी एस डॉट डी ओ सी, मैं तो इसका आंसर ही बता दिया। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ये एक तरह का एक्सटेंशन है, क्या है? डॉट बी एस डॉट डी ओ सी डॉट एस टी एम एल, ये सब एक तरह का एक्सटेंशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ गेट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल एडिशन, लॉजिकल एडिशन में हम लोग कौन सा गेट को यूज करते हैं? सभी लोग से आंसर आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑर गेट। ऑर गेट को हम लोग लॉजिकल एडिशन में यूज करते हैं। ऑर गेट का बूलियन एक्सप्रेशन भी आपसे पूछ लिया जाएगा,
तो y इज इक्वल टू, और देखिए ध्यान रखिएगा, और का मतलब क्या होता है, गुना होता है ना, लेकिन इसका जो बूलियन एक्सप्रेशन होता है, आउटपुट जो मिलता है वो प्लस मिलता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, और में प्लस हो जाता है और एंड में गुना हो जाता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है दोस्तों। और गेट का अगर डायग्राम आपसे पूछ ले तो आप इस टाइप से बनाइएगा। मैं हर एक चीज में और जो गेट आ रहा है, लॉजिक गेट, मैं जिक्र कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट गेट है दोस्तों, पूछा जा सकता है। इस टाइप से दो इनपुट देंगे, ठीक है, और इसे आप बुलियन एक्सप्रेशन बना सकते हैं, अगर देख सकते हैं, अगर इनपुट आप लोग लो लेंगे दोनों केस में तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, लो मिलेगा। अगर इनपुट आप लोग एक में लो लेते हैं एक में हाई लेते हैं तो आउटपुट एक में हाई मिलेगा, ठीक है, हाई लेते हैं लो लेते हैं तो आउटपुट हाई मिलेगा, और दोनों केस में अगर इनपुट हाई लेते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा, हाई ही मिलेगा। ये कैसे आया दोस्तों, ये स्टेबल से आया, ठीक है, वाई इजकल टू ए प्लस बी से आया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। द फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन सा है, सभी लोग से आंसर आना चाहिए। से करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन ए अर्पणा नेट, अर्पणा नेट इज द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड ऑफ इंटरनेट। अर्पणा नेट का मतलब होता है दोस्तों एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, क्या होती है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, और एनईटी का मतलब नेटवर्क, याद रखिएगा, ये भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट इंटरनेट यूजर, किस देश में सर्वाधिक इंटरनेट उपयोग करता है दोस्तों, इंटरनेट यूजर पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी, चाइना में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर है दोस्तों, चाइना के बाद ध्यान दीजिएगा अपना देश का नंबर आता है, चाइना में 746 मिलियन है इंटरनेट यूजर, और भारत में 391 मिलियन, अमेरिका में 245 मिलियन, ठीक है, और ब्राजील में 123 मिलियन, और जापान में 117 मिलियन, ठीक है। तो यानी चाइना सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर है, उसके बाद अपना देश का नाम आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है फिजिक्स का दोस्तों, फिजिक्स का क्वेश्चन से घबराना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से करें, और नहीं आता है तो मैं बताता हूं तो आप लोग सीखने का कोशिश कीजिए, ठीक है, भागिएगा न्यूमेरिकल से, भागिएगा तो आपको और न्यूमेरिकल भगाएगा। क्वेश्चन है देखिए, अ कार ट्रेवल्स थ्री इक्वल पार्ट ऑफ इट्स जर्नी विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग इट्स होल जर्नी। कहा जा रहा है कि एक कार है जो दोस्तों ट्रेवल इक्वल पार्ट्स, थ्री इक्वल पार्ट्स ट्रेवल करता है, विथ एवरेज स्पीड पहला पार्ट 60 किलोमीटर प्रति आवर से, दूसरा 80 किलोमीटर प्रति आवर से, तीसरा 120 किलोमीटर प्रति आवर से। तो आपसे पूछा जा रहा है भाई कि एवरेज स्पीड ऑफ द कार बताएं, टोटल जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगी कार का। आपके पास 10 सेकेंड, 15 सेकेंड का टाइम दिया जा रहा है दोस्तों, और 15 सेकेंड में आप लोग इसका करेक्ट आंसर बताएं, क्योंकि न्यूमेरिकल दोस्तों आजकल जो गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम है, मैं नॉन टेक मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम होता है जेईओ छोड़कर जो मैं बात कर रहा हूँ, उसमें भी न्यूमेरिकल टारगेट किए किए जाने लगे हैं, तो न्यूमेरिकल ध्यान देना होगा दोस्तों, और ये सब दोस्तों न्यूमेरिकल 10th स्टैंडर्ड का न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं, कार ट्रेवल थ्री इक्वल पार्ट, ध्यान दीजिएगा तीन इक्वल पार्ट ट्रेवल करता है, प्रत्येक तीन इक्वल पार्ट ट्रेवल करता है, ठीक है, बना लिए, और तीनों इक्वल पार्ट्स है तो इसका अगर डिस्टेंस एक्स लेते हैं तो सभी एक्स एक्स ट्रेवल करेगा, यहाँ तक क्लियर है सभी को, विथ एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये जो दोस्तों इसमें कितना लग जाता है, 60 पहला केस में ले लेता है, दूसरा जाता है 80 से, और तीसरा जाता है 120 से। चलिए अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, सबसे पहले फॉर्मूला सोचे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन एवरेज स्पीड होता है, तो हमको क्या पता करना है जी, टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया जी, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, एक्स प्लस एक्स थ्री एक्स, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया जी, 3x हो गया, यहां तक क्लियर होगा सभी को। उसके बाद हमको क्या निकालना है, टोटल टाइम, टोटल टाइम निकाल लीजिए, पहला केस में टाइम निकालिए, ये दोस्तों स्पीड है, एवरेज स्पीड है दिया हुआ, 60 से जा रहा है, 80 से जा रहा है, ठीक है, तो पहला केस में टी निकालिए दोस्तों, तो आपको टाइम निकालने का फॉर्मूला सभी को पता है कि टाइम क्या होती है, डिस्टेंस बाई स्पीड होती है, तो पहला केस में डिस्टेंस एक्स जा रहा है और स्पीड कितना कवर कर रहा है, 60 से कवर कर रहा है,
दूसरा केस में टी टू में इसी टाइप से निकालेंगे एक्स बाई 80 होगा, टी थ्री में एक्स बाई 120 होगा। आई होप यहां तक सभी को क्लियर होगा। चलिए यहां तक क्लियर है तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा दीजिए। दोस्तों एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना आ गया 3x, और टोटल टाइम ऐड कर दीजिए जी, एक्स बाई 60 प्लस एक्स बाई 80 प्लस एक्स बाई 120। दोस्तों मैं यहां पे समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, अगर आप लोग इसे सोल्व किए होंगे आप लोग के आता होगा तो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड का टाइम आप लोग को लगेगा इस टाइप का क्वेश्चन में। तो इसे आप सोल्व कीजिएगा तो जो वैल्यू मिलेगा दोस्तों वो मिल जाएगा 80 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति आवर। आप इसे अच्छे से सोल्व कर लीजिएगा, यहाँ पे टाइम टाइम को देखते हुए मैं यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, 80 किलोमीटर प्रति आवर। ये चीज को सिर्फ सोल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा वैल्यू, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट वेट 49 न्यूटन इज सेलेक्टेड अक्रॉस अ लेवल सरफेस एट 0.2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका वेट कितना है जी 49 न्यूटन है, इज रिलेटेड अक्रॉस अ लेवल ऑफ सरफेस एट 0.20 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर से वह सेलेक्ट कर रहा है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है आपसे। नेट फोर्स निकालिए, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड है। 15 सेकंड दोस्तों, सभी लोग इसका आंसर बताएं, न्यूमेरिकल भी बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों। सबसे पहली बात, फोर्स निकालना है तो फोर्स में क्या चीज जरूरी पड़ेगा, फोर्स में सबसे पहले देखिए, फोर्स में क्या क्या चाहिए, मास इंटू एक्सेलरेशन चाहिए। हमको एक्सेलरेशन मिल गया है, मास नहीं मिला है, तो मास कैसे निकालेंगे, चलिए मास कैसे निकालेंगे, तो वेट दिया हुआ है, वेट क्या होता है दोस्तों, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फॉर्मूला सभी को पता होगा, वेट कितना है 49 न्यूटन दे रखा है जी, और हमको 9.8 लेना है, तो यहां से मास आ गया, जी का मान नीचे कर दिए तो कट के कितना हो जाएगा, इसे ऐसे कर लीजिए 9.8 है तो इसको डेसिमल को हटा दीजिए, ठीक है, डेसिमल को हटा दीजिए तो ऊपर से 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 से कट गया और ये 5 से कट गया, यानी मास कितना आ गया 5 आ गया दोस्तों, ठीक है, 5 केजी का मास आपको मिल गया। अब हमको क्या निकालना है जी, अब हमको क्या निकालना है, ध्यान दीजिए, फोर्स निकालना है। फोर्स क्या होता है जी, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 5 मिल गया, एक्सेलरेशन कितना से कर रहा है 0.20, तो 20 पर से 100 है, यानी 1 न्यूटन आपके इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए यहां तक क्लियर होगा सभी को, बस आपको करना क्या होता है, जो निकालना होता है उसके बारे में सोचे क्या निकालना है। अगर फोर्स निकालने के लिए क्वेश्चन में कह रहा है तो हम लोग फोर्स के बारे में सोच लिए, फोर्स में क्या चीज चाहिए, मास चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है मास और एक्सेलरेशन चाहिए, तो एक्सेलरेशन तो दे रखा है तो मास कहां से आएगा, तो मास क्वेश्चन से लाना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए क्या क्या दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर अ हाइपोथेटिकल प्लैनेट हुज मास एंड रेडियस आर बोथ हाफ ऑफ द अर्थ। इट्स अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एक हाइपोथेटिकल प्लैनेट आपको कंसीडर करना है, सोचना है, जिसका मास एंड रेडियस क्या है, अपने अर्थ यानी पृथ्वी से आधा है। इफ जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ पे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, प्लैनेट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है। मैं थोड़ा हिंट्स दे देता हूँ, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। आप जितने मेरा लेक्चर देखे होंगे, अगर ये फॉर्मूला आया है तो मैं बोला था कि दोस्तों ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और बाकी में फॉर्मूला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मास ऑफ अर्थ बाई रेडियस ऑफ अर्थ के होल स्क्वायर, इसे याद रखिएगा, स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन पूछा जाता है, बस इसे यूज करके आपको इसका वैल्यू निकालना है। फटाफट सभी लोग आंसर बताएं इसका, यू हैव 15 सेकेंड, देखते हैं कि इनका सबसे पहले आंसर आता है। आपके पास 4 ऑप्शन नजर आ रहा है, सिर्फ क्या करना है दोस्तों कि प्लैनेट जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उसका मास और रेडियस ऑफ दोनों है आधा कर देना अर्थ के कंपैरिजन में। तो आपसे पूछा जा रहा है जी का वैल्यू क्या होगा, जी का वैल्यू क्या चेंज होगा, ग्रेविटेशनल जी कैपिटल जी का वैल्यू दोनों के केस में सेम लेना है, ठीक है। चलिए हम लोग इसे सोल्व करते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझना है, थोड़ा टाइम लगे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिजिक्स में वो अच्छी बात है, ठीक है। K
क्या करना है दोस्तों, एम डैश को क्या ले लिया जाता है, एम बाई टू मास ऑफ अर्थ के आधा कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और रेडियस को क्या कर लिया जाता है, आर बाई टू कर लिया जाता है। यहां तक सभी को क्लियर है? क्लियर है। अर्थ के केस में क्या लिखते हैं, जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद जी डैश क्या लिखेंगे भाई, जी डैश को देखिए क्या लिखेंगे, जी इन टू एम जो है जी एम डैश, एम डैश चलिए एक एक प्रोसेस एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। यहां तक क्लियर है? इसके क्या लिख सकते हैं, जी इक्वल टू एम डैश कितना है, एम बाई टू, एम बाई टू, आर डैश कितना है, आर बाई टू के होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? चीज क्लियर है। तो जी डैश क्या हो जाएगा दोस्तों, टू इंटू जी एम बाई आर स्क्वायर, इसे सोल्व कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा जी एम बाई आर स्क्वायर। चलिए ठीक है, तो जी डैश कितने के बराबर होगा, जी एम इंटू आर स्क्वायर क्या होती है, अर्थ के केस में लिया जाता है ना, तो जी डैश कितना हो गया, जी डैश इक्वल टू टू जी आ गया। आई होप ये क्लियर होगा, ऑप्शन डी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। कितना इजी क्वेश्चन था दोस्तों, एक फॉर्मूला लगाकर इसे निकालना था। आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे दोस्तों। जितने लोग देख रहे हैं वीडियो को दिल से लाइक कर दें, सभी लोग वीडियो को लाइक करें। अगर वीडियो को आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोग भी मोटिवेट होकर एक बेहतरीन स्टडी मटेरियल आप लोग को देने का कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखें, सेंटर ऑफ बायोन्सी ऑलवेज, बायोन्सी का सेंटर कहां पे होता है दोस्तों, सेंटर ऑफ बायोन्सी आपसे पूछा जा रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन आपको कंफ्यूज करेगा। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, सेंटर ऑफ बायोन्सी हमेशा कोइंसाइड विद द सेंट्रोइड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो डिस्प्लेस्ड करता है उसका सेंट्रोइड वॉल्यूम पे सेंटर ऑफ बायोन्सी लोकेटेड होता है। इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये सब क्वेश्चन फ्लोटेशन में करवाया हुआ है दोस्तों, और अच्छे तरीके से वहां पे करवाया हुआ है। कोई भी टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू, इट्स इजी क्वेश्चन और सभी लोग से आंसर आना चाहिए फ्रेंड्स। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग इसका आंसर दें, मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होता है, मैकेनिकल एनर्जी दोस्तों, मैं इसका करेक्ट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन बी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। आपको पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होती है, जूल होती है, इसलिए मैकेनिकल एनर्जी का भी यूनिट जूल होगा। एक जूल में कितने अर्ग होते हैं ये भी पता होना चाहिए, एक जूल में 10^7 अर्ग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाउडनेस ऑफ नॉइज इज मेजर्ड इन, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों किसमें मापी जाती है, सभी लोग से आंसर आना चाहिए। इट्स अ इजी क्वेश्चन, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग इसका आंसर बताएं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन सी डेसिबल्स में मेजर करते हैं। डेसिबल का सिंबल होता है दोस्तों, इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। डेसिबल्स में हम लोग लाउडनेस ऑफ नॉइस मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन बढ़िया, देखिए क्वेश्चन 32, इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ओकरिंग एट अ ग्लास एयर इंटरफेस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस है दोस्तों जो ओकर कहां पे हो रहा है, ग्लास एयर इंटरफेस में ओकर हो रहा है, तो आपसे ऑप्शन के रिगार्डिंग आपका इसका करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है। लाइट एयर, लाइट फ्रॉम एयर स्ट्राइक्स, पहले चार ऑप्शन में आपको दिखा देना चाहता हूं, आप लोग फटाफट इसका करेक्ट आंसर बताएं। चलिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड्स, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में और ओकरिंग कहां हो रहा है, ग्लास एयर का इंटरफेस है, ठीक है। तो यहां पे जो लाइट का रिफ्लेक्टेड होगा दोस्तों, रिफ्लेक्टेड की मैं बात कर रहा हूं, रिफ्लेक्टेड की नहीं, रिफ्रेक्टेड का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड, इस केस में कोई लाइट रिफ्लेक्टेड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। ऑप्शन डी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट डज गोबर गैस मोस्टली कंटेन्स, गोबर गैस में क्या होता है दोस्तों, मोस्टली आपसे पूछा जा रहा है भाई, यानी सबसे ज्यादा क्या कंटेंट होता है, सबसे अधिक आपसे पूछा जा रहा है, आपको परसेंटेज पता होगा ना कौन कितने होता है, तब तो आप बता सकेंगे। चलिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए मीथेन सबसे ज्यादा होता है दोस्तों, गोबर गैस में मीथेन आपको सबसे ज्यादा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लॉ स्टेट दैट, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुजैक लॉ, ये सब क्वेश्चन बहुत ही अक्सर पूछा जाता है गवर्नमेंट एग्जाम में, तो एक इसका आंसर सभी लोग से आना चाहिए फ्रेंड्स। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग से इसका आंसर आना चाहिए। वर्ल्ड्स लॉ क्या स्टेट करता है, चलिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैसेस मास
वेन मास ऑफ अ गैस इज कॉन्स्टेंट एट अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, पी भी कॉन्स्टेंट होता है दोस्तों, ये कैसे आया दोस्तों हम लोग देखते हैं। मैं बॉयल्स लॉ का केस बता दे रहा हूं और उसके बाद चार्ल्स लॉ, गे लुजैक लॉ, आप लोग अच्छे से आप लोग खुद समझ जाइएगा, ठीक है। पी वी इक्वल टू एन आर टी, सभी को पता है आइडियल गैस इक्वेशन होता है जिसमें एन नंबर ऑफ मोल्स होता है, आर गैस कॉन्स्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, पी प्रेशर होता है, वी वॉल्यूम होता है ना। उसके बाद हम लोग बॉयल्स लॉ की बात कर रहे हैं, बॉयल्स लॉ में क्या कॉन्स्टेंट होता है दोस्तों, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर लिए यानी ये पूरा टर्म क्या मिल गया हमको, कॉन्स्टेंट हो गया, नंबर ऑफ मोल भी कॉन्स्टेंट होता है, डिफाइन होता है, और गैस कॉन्स्टेंट तो आपको पता है आर जो होता है गैस कॉन्स्टेंट, इसका वैल्यू भी होता है। तो इसके बाद पी भी हमको ऐसे लिख दी कि पूरा टर्म कॉन्स्टेंट हो गया, तो इसको पी इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना जी। तो यही तो आपसे पूछ रहा है, पी भी कॉन्स्टेंट इस टाइप को आपको, और इससे एक फॉर्मूला भी निकालना होता है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो फॉर्मूला निकलता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला से इसको ऐसे लिख सकते हैं, P1V1 इक्वल टू P2V2। ये भी आपसे पूछा जाता है दोस्तों, बॉयल्स लॉ का फॉर्मूला पूछा जाता है, तो याद रखिएगा P1V1 इक्वल टू P2V2। इसके बाद चार्ल्स लॉ में बात करें तो चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है दोस्तों। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा, यानी उसका जो फॉर्मूला होगा वो V1T1 इक्वल टू V2T2 Y T2, V1 Y T1 इक्वल टू V2 Y T2। ये दोस्तों चार्ल्स का नियम के मैं बात बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर होगा सभी को, ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन, इसे याद रखिएगा, P1 V1 इक्वल टू P2 V2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए सभी नजर आ रहा है ना सारा ऑप्शन, हाँ नजर आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, निम्नलिखित में से कौन सा आयोनिक यौगिक का प्रॉपर्टीज नहीं है दोस्तों, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी लोग से आंसर आना चाहिए, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग आंसर एटलीस्ट ट्राई तो कीजिए आंसर देने का। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये जो दोस्तों नोट प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, सोलोबल इन वाटर इन सोलोबल इन पेट्रोल, ये तो प्रॉपर्टीज है, सॉलिड होती है, हार्ड भी होती है, आयोनिक कंपाउंड सॉलिड हार्ड दोनों होता है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होता है दोस्तों, लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट नोट प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ फास्फोरस, एटॉमिसिटी का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एलिमेंट, एलिमेंट में कितने एटम प्रेजेंट है उसी को तो एटॉमिसिटी कहते हैं ना, तो फास्फोरस का एटॉमिसिटी आपसे पूछा जा रहा है, इसका करेक्ट आंसर बताएं, तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन सी टेट्राटॉमिक होता है, टेट्राटॉमिक होता है, P4 होता है, ठीक है, P4 स्टेट में फास्फोरस एग्जिट करता है। इसका स्ट्रक्चर की बात कर ले तो स्ट्रक्चर आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन माइंड में रखिएगा इस टाइप से होता है, रोम्बस की शेप में होता है, चारों कोना पे पीपी होता है। चलिए क्लियर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखें, व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम कंस्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल नोन एज, आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स कंस्टिट्यूटिंग मॉलिक्यूल्स नोन एज, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो एटॉमिसिटी कहते हैं। अभी मैं एटॉमिसिटी का फॉर्मूला जो डिफिनेशन बताया, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स, ध्यान दीजिएगा मैं यहाँ पे एलिमेंट्स बोल दिया था, सॉरी, यहाँ पे जो होगा एटॉमिसिटी किसका होता है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है दोस्तों, ठीक है, क्लियर होगा, जिसे एटॉमिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीच ऑफ द फ्लोमिंग इज नॉट अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताएं, इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों ऑप्शन डी NaOH HCl, जो क्या बन जाता है, जो प्रोडक्ट देता है NaCl प्लस H2O, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है दोस्तों, और बाकी जो CuSO4H2S है, NaOH HCl VSCl ये सब क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखें, फिल इन द ब्लैंक्स इज द प्रोसेस इन विच एसिड बेसिस रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, निम्नलिखित में से कौन सा मतलब रिएक्शन जो है दोस्तों जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स इजी क्वेश्चन, सभी लोग के पता होना चाहिए, जो थोड़ा केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं इसका तो करेक्ट आंसर बताएंगे,
करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में अगर एसिड को बेस के साथ मिलाइएगा तो आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटेलिक मिनरल। आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नॉन मेटेलिक मिनरल है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन डी जिप्सम एक तरह का नॉन मेटेलिक मिनरल है। ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन। जिप्सम का आपको फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा CaSO4.CaSO4.2H2O। दोस्तों मैं ये सब फॉर्मूला जिक्र कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये सब अक्सर पूछ लिया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी पूछा जाता है जिसमें CaSO4.12H2O होता है, और बॉक्साइट के आपसे पूछ लिया जाए तो Al2O3.2H2O बॉक्साइट का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 देखें। बैकेलाइट इज एन क्या है? बैकेलाइट एक तरह का क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर की बात करें, बैकेलाइट एक तरह का इंसुलेटर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेटर आपको पता है जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। दो स्टेट तीन स्टेटमेंट है दोस्तों, आपको बताता है निम्नलिखित में से कौन सी कथन ट्रू है, सही कौन सा है। द सेकेंड पीरियड एलिमेंट सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स कॉल्ड अल्कलीमेटर्स। सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलीमेटर। जी ये गलत है, आपको पढ़ना होना चाहिए सेकेंड ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली अल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। ठीक है ना, अल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ अल्कलाइन मेटल, ये गलत है, ये भी गलत है दोस्तों। फर्स्ट ग्रुप को अल्कली मेटल कहते हैं और सेकेंड ग्रुप को अल्कलाइन मेटल कहते हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलिए, अल्कलाइन मेटल बोलिए, ठीक है, गलत है, ये दोनों बस रिवर्स होगा। अल्कली मेटल किसको कहते हैं अच्छे से सुनिएगा, अल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप को कहते हैं और अल्कलाइन अर्थ मेटल या अल्कलाइन मेटल सेकेंड ग्रुप को कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट दोनों गलत है। द 17 ग्रुप एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजन। 17 ग्रुप एलिमेंट्स को हैलोजन कहते हैं। जी इसका करेक्ट आंसर ओनली सी होगा, ओनली सी राइट होगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट। आपको पता होना चाहिए हैलोजन में जो आता है फ्लोरीन क्लोरीन ग्रुप 17, फिर कल बाहर आई एंटी, याद रखने का तरीका है। और अल्कली मेटल्स को याद रखने का तरीका है लीना के रब से फरियाद, हाइड्रोजन लिथियम वाला आता है दोस्तों इसमें, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल का बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, ठीक है, याद रखिएगा। इससे थोड़ा फनी ट्रिक है लेकिन इससे याद हो जाएगा, जिसमें बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, वाला अल्कलाइन अर्थ मेटल सेकेंड ग्रुप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ तक क्लियर होगा। अगर पीटी में कहीं भी कोई दिक्कत हो रहा है दोस्तों तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से करवाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43, इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन एंड टू कंसेक्यूटिव रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड। आपसे पूछा जा रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव में दो डिस्टेंस बताइए बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और कंसेक्यूटिव रिफ्रैक्शन, रियर फ्रैक्शन के बीच आपसे पूछा जा रहा है लॉन्गिट्यूडनल वेव में, इसे क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बी, इसे वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर चार्ल्स विल्किंस इज नोन एज एंड रिमेम्बर्ड फॉर बीच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसलेशन। कौन सी कथन से प्रसिद्ध है दोस्तों सर चार्ल्स विल्किंस? सब लोग से आंसर आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर की बात करें ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर सी होगा दोस्तों, भागवत गीता टू इंग्लिश, यानी भागवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किनके द्वारा किया गया है, सर चार्ल्स विल्किंस द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, एज द सेलर जंप्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन द बोट मूव्स बैकवर्ड डायरेक्शन। दिस इज एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स। दोस्तों ये क्वेश्चन सभी लोग से आंसर आना चाहिए, जितने लोग देख रहे हैं इसका सभी लोग आंसर करें, फटाफट आंसर आना चाहिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। जब इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कमेंट जरूर करें, अगर इस टाइप का क्वेश्चन कमेंट नहीं करते तो फिजिक्स का कोई मतलब ही नहीं रहता है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यानी एवरी एक्शन हैज देयर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इसमें क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर की बात करें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे सैचुरेटेड कहते हैं, अल्केन्स हो गया, ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। आपको पता होना चाहिए अल्काइन्स और अल्किन्स में क्या होता है, डबल्स बॉन्ड प्रेजेंट होता है,
अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, आइसोमर्स भी एक तरह का अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से एग्जांपल है। अल्काइंस, ध्यान दीजिएगा अल्काइंस और एल्किन्स अनसेचुरेटेड है, इसमें डबल बॉन्ड होता है और इसमें अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस टू, एल्किन्स की मैं बात कर रहा हूँ, और अल्काइंस का होता है CnH2n माइनस टू और एल्किन्स का होता है CnH2n प्लस टू। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन है, आगे बढ़ गया। व्हाट इज द नेम ऑफ साउदर्न मोस्ट टिप ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका एट दिस प्लेस द पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन कन्वरेज। कन्वरेज मतलब वापस में मिलते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि वो साउदर्न मोस्ट टिप का नाम बताएं जहां पे साउथ अमेरिका में, जहां पे पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन आपस में मिलते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, ऑप्शन सी कैप हॉर्न। कैप हॉर्न में, कैप हॉर्न साउदर्न मोस्ट टिप है, कहां पे है, और साउथ अमेरिका में है जहां पे पैसिफिक और अटलांटिक ओशियन आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फ्लोविंग कैन डू मोर वर्क, निम्न में से कौन सा अधिक काम कर सकता है। इसका करेक्ट आंसर की बात करें दोस्तों, तो ऑप्शन बी अ मूविंग बुलेट। मूविंग बुलेट में वर्क ज्यादा होगा। वर्क क्या होता है दोस्तों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा। था जाहिर सी बात है, एक बुलेट जो मूव कर रही है उसमें तो कुछ फोर्स होगा, कुछ उसमें फोर्स होगा, और जब मूव कर रही है तो जाहिर सी बात है डिस्प्लेसमेंट भी कवर करेगा, तो इसमें आपको ज्यादा वर्क मिलेगा। और रोटेटिंग व्हीकल्स में क्या होगा, जैसे अगर व्हीकल्स रोटेट कर रहा है तो गोले गोले घूम रहा है, तो इनिशियल पोजिशन पे वो तो पहुंचेगा ही एक ना एक टाइम, तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन बी इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन 48 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। स्पीड ऑफ लाइट किसमें मैक्सिमम होता है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर की बात करें फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी इज राइट। वैक्यूम में सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है। एयर मत लगाइएगा, ठीक है। अगर वैक्यूम ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तब एयर लगाना है, लेकिन अगर वैक्यूम दिया हुआ है तो एयर वैक्यूम लगाना है, ठीक है। वैक्यूम में कितना होता है, 3 × 10⁸ होता है दोस्तों, ठीक है। और पानी में कितना होता है, 2.25 × 10⁸ होता है, और ग्लास में 2 × 10⁸। और एयर में दोस्तों वैक्यूम के कंपेरिजन में 0.03% कम होता है, ठीक है, मतलब बहुत ही कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बीच कंट्री डज सेलिब्रेटेड ऑथर एंड लीडरशिप स्पीकर रोबिन शर्मा बिलोंग्स। एक ऑथर है, लीडरशिप स्पीकर है, कौन है, रोबिन शर्मा, ठीक है। कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसका करेक्ट आंसर की बात करें, ऑप्शन ए कनाडा से वो बिलोंग करते हैं दोस्तों। आज का सेशन समाप्त होता है, हम लोग 50 क्वेश्चन देख लिए। आप लोग ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि 50 में से आपका कितना सही हो रहा है। सभी का आंसर आना, सभी का इसका रिप्लाई आना चाहिए दोस्तों, जितने लोग सेशन को दे रहे थे। साथ में वीडियो को लाइक कर दें, जितने लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। साथ में आपको बता दूं कि PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसे क्लिक करके वहां से आप लोग ज्वाइन कर लें। साथ में मेरा एक चैनल स्टडी इंडिया अड्डा व्लॉग्स लॉन्च हुआ है जो आप लोग के लिए ही है दोस्तों, उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। न्यू चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। जय हिंद।